नाप्नोति किल विषमा। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमर्शरः समसिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न विनिबध्यते। गतसंघर्ष मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविधीयते। आचरण समझाते हुए कहते हैं, जिस मनुष्य ने सभी प्रकार के कर्म फलों की आसक्ति और सभी प्रकार की संपत्ति के स्वामित्व का त्याग कर दिया है, ऐसा शुद्ध मन तथा स्थिर बुद्धि वाला केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता हुआ कभी पाप रूपी फलों को प्राप्त नहीं होता है। जो मनुष्य स्वतः प्राप्त होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो सभी द्वंद्वों से मुक्त और किसी से ईर्ष्या नहीं रखता, जो सफलता और असफलता में स्थिर रहता है, यद्यपि सभी प्रकार के कर्म करता हुआ कभी बद्धता नहीं है, प्रकृति के गुणों से मुक्त हुआ तथा ब्रह्म ज्ञान में पूर्ण रूप से स्थित और अच्छी प्रकार से कर्म का आचरण करने वाले मनुष्य के सभी कर्म ज्ञान रूप ब्रह्म में पूर्ण रूप से विलीन हो जाते हैं। बारे में बताते हुए कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान में स्थित उस मुक्त पुरुष का समर्पण ब्रह्म होता है, हवन की सामग्री भी ब्रह्म होती है, अग्नि भी ब्रह्म होती है तथा ब्रह्म रूपी अग्नि में ब्रह्म रूपी कर्ता द्वारा जो हवन किया जाता है वह ब्रह्म ही होता है, जिसके कर्म ब्रह्म का स्पर्श करके ब्रह्म में विलीन हो चुके हैं, ऐसे महापुरुष को प्राप्त होने योग्य फल भी ब्रह्म ही होता है। कुछ मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और इस प्रकार कुछ मनुष्य परमात्मा रूपी अग्नि में ध्यान रूपी यज्ञ द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। कुछ मनुष्य
सभी ज्ञान इंद्रियों के विषयों को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं और कुछ मनुष्य इंद्रियों के विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन करते हैं। कुछ मनुष्य सभी इंद्रियों को वश में करके प्राण वायु के कार्यों को मन के संयम द्वारा आत्मा को जानने की इच्छा से आत्मयोग रूपी अग्नि में हवन करते हैं। तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वधाय ज्ञान यज्ञास्यायतयः सितव्रता अपाने जुहति प्राणम् प्राणे प्राणम् तथा परे सर्वे पीते यज्ञ विदो यज्ञशपीत कल्मषा यज्ञशिष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्मा सनातनम् नायं लोकोस्त यज्ञश्च कुतः अन्य गुरु सतम् मनुष्य धन संपत्ति के दान द्वारा कुछ मनुष्य तपस्या द्वारा और कुछ मनुष्य अष्टांग योग के अभ्यास द्वारा यज्ञ करते हैं। कुछ अन्य मनुष्य वेद शास्त्रों का अध्ययन करके ज्ञान में निपुण होकर और कुछ मनुष्य कठिन व्रत धारण करके यज्ञ करते हैं। बहुत से मनुष्य अपान वायु में प्राण वायु का उसी प्रकार प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं तथा अन्य मनुष्य प्राण वायु और अपान वायु की गति को रोककर समाधि में प्रवृत्त होते हैं। कुछ मनुष्य भोजन को कम करके प्राण वायु को प्राण वायु में ही हवन किया करते हैं। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर यह सभी योगी सनातन परब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ को न करने वाले मनुष्य तो इस जीवन में भी सुख पूर्वक नहीं रह सकते हैं, तो फिर अगले जीवन में कैसे सुख को प्राप्त हो सकते हैं।